हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तीन सिंपल एंड क्विक DIYs। सम ऑफ द मटेरियल्स आई बॉट इट फ्रॉम डॉलर स्टोर एंड और कुछ मटेरियल्स मैंने जो घर पे पड़े हुए थे वही यूज़ किए हैं। सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की रिंग ली है और यहाँ पर मैंने एक स्क्रैप वुड पीस लिया है और इन दोनों को मैं यहाँ इस तरह से अटैच करूँगी विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्क्रूज। अगर आपको स्क्रूज़ का इस्तेमाल नहीं करना है तो या आप हॉट ग्लू गन या E6000 का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आप मैं इसके ऊपर ये वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ करूँगी और इसके मैं सिर्फ दो कोट लगाऊंगी। यहाँ पे ये पेंट होने के बाद इसके ऊपर जो दो होल्स बने हुए हैं इसके अंदर में ये एयर प्लांट्स का प्लांटर है उसी को हैंग करूँगी और इसको हैंग करने के लिए यहाँ मैंने ये जूट थ्रेड लिया है उसी के साथ मैं यहाँ पे इसको हैंग कर दूँगी। यहाँ मैंने ये आर्टिफिशियल ट्री लिया है और इसके ऊपर मैं ये हॉट ग्लू गन से इसको उसके अंदर अच्छे से चिपका दूंगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाइट सैंड ली है और इस वाइट सैंड को मैं उसके अंदर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि एक अच्छा स्नोई इफेक्ट दिखे। इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आसानी से उसमें से बाहर आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ मैंने ये छोटे पाइन कोन्स रखे हैं और छोटे से ग्रीन प्लांट आर्टिफिशियल प्लांट रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल रेड बेरीज ऐड की है। ऊपर की तरफ जो जूट थ्रेड है उसको मैं हाइड करने के लिए भी कुछ अच्छे से उसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट DIY ऑलमोस्ट तैयार है। चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है तो मैं ये पूरा कंटेनर नहीं यूज़ करूँगी, सो इसका जो सिर्फ लीड है वही यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये गोल्ड मेटालिक स्प्रे पेंट यूज़ करूँगी और ये स्प्रे पेंट मैं दोनों तरफ यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने एक वाइन ग्लास लिया है और एक कार्डबोर्ड पेपर लिया है तो इस ग्लास को मैं उल्टा रख के उसको अच्छे से एक मेजर करके एक सर्कल कट कर लूँगी। सर्कल को कट करने के बाद उसके दोनों तरफ में ये गोल्ड एक्रेलिक कलर अप्लाई करूँगी। फिर इस सर्कल को हमें ग्लास के नीचे की तरफ चिपकाना है पर उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ सिल्वर आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करूँगी और इनको मैं ग्लास के अंदर ग्लू गन से अच्छे से स्टिक कर लूँगी। तो ये जो फ्लावर्स है कुछ इस तरह से दिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसको नीचे के तरफ जो हमने सर्कल कट किया है वो उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो हमने जो यहाँ पे ये लीड को स्प्रे पेंट करके रखा हुआ था उसको भी हम अभी इसके ऊपर अच्छे से ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे। तो हम अब इसको इसके ऊपर कुछ डेकोरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने कुछ सिनेमन की स्टिक्स ली हैं और मैं इसको यहाँ पे ग्लू गन से उसके ऊपर चिपकाऊंगी और उन स्टिक्स के ऊपर मैं ये वाइट आर्टिफिशियल ट्रीज लगाऊंगी और इनके ऊपर लगाऊंगी ताकि एक अच्छी सी हाइट क्रिएट हो। यहाँ मैंने और थोड़े सिनेमन स्टिक्स ऐड किए हैं ताकि एक अच्छा वुड का इफेक्ट दे और उस स्टिक्स के ऊपर मैं कुछ छोटे पाइन कोन्स स्टिक कर दूंगी।
और यहाँ मैंने एक कुछ छोटा आर्टिफिशियल प्लांट लिया है, उसको मैं पीछे की तरफ थोड़ा स्टिक करूँगी। और यहाँ पे एक बड़ा पाइन कोन यूज़ किया है और एक मीडियम साइज़ का पाइन कोन भी यूज़ किया है। तो चलते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर का लीड लिया है और उसके ऊपर मैं ये सेम गोल्ड मेटालिक स्प्रे पेंट करूँगी। स्प्रे होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद यहाँ मैंने ये ग्लास कंटेनर लिया है और बर्लैप रोल लिया है, और ये बर्लैप रोल मैं ग्लास के मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लूँगी। फिर इस बर्लैप को मैं इस ग्लास जार के सिर्फ नीचे की तरफ ही स्टिक करूँगी। ध्यान रखें, नीचे ही स्टिक करना है, ऊपर की तरफ स्टिक नहीं करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये सिर्फ नीचे की तरफ ही स्टिक किया है, ऊपर की तरफ बिल्कुल स्टिक नहीं किया है। तो हम अब यहाँ पे इस एंड्स को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ और ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर के तरफ से भी हमें ये थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है। फिर इसके बाद इस जार को हम उस लीड के ऊपर ग्लू गन से स्टिक कर लेंगे। ग्लास जार को हमें लीड के पीछे की तरफ स्टिक करना है, बीच में स्टिक नहीं करना है, ताकि थोड़ी स्पेस मिले हमें डेकोरेट करने के लिए। ये स्टिक करने के बाद यहाँ मैंने एक क्रिसमस ऑर्नामेंट लिया है, इसके ऊपर मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, उसको मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी। तो यहाँ मैंने ये गोल्डन ग्लिटरी एम्बेलिशमेंट लिया है, उसको भी मैं उसको पीछे के तरफ स्टिक कर लूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक पाइन कोन लूँगी और उसको भी उसको सामने की तरफ स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ हमारे ये लास्ट थर्ड DIY भी तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑन माई अपकमिंग वीडियोज। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू DIY आइडियाज। टिल देन, बाय।